नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक नया डूफोलो बैकलिंक बनाने का यूआरएल। ठीक है, बहुत अच्छा यूआरएल है, आपको मैं दिखा देता हूँ उसका स्टैटिस्टिक क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में देखिएगा तो आरिफ रैंक इसका 23,574 है, डीआर डोमेन रेटिंग 77 है, 4.77 मिलियन बैकलिंक्स हैं जो बहुत होते हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड इसके 13,700 और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतना है। ठीक है, तो इसे क्लीन वेबसाइट, आपको इसका स्पैम स्कोर दिखाता हूँ। स्पैम स्कोर मैंने ऑलरेडी चेक किया था, यहाँ पे सेम वेबसाइट है, देख लीजिएगा, और यहाँ पे स्पैम स्कोर 1 है, सो इट्स फेयर एनफ, जा सकते हैं इसको बना सकते हैं। अब साइट जो है ये है साइट इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा आप लोग, groupspace.com का साइट है, उसको साइन इन कीजिए। साइन इन आप तो आपके केस में क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, क्रिएट आपका अकाउंट तो बना नहीं है, मेरा बना हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे आप जाइएगा, नाम डालिएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, काम खत्म, बस चार चीज़ डालना और कुछ नहीं। जाके कंफर्म कर दीजिएगा मेल में, मेल आएगा एक, उसके बाद आइएगा फिर से वहाँ पे साइन इन कर दीजिएगा जाके। यहाँ पे जब आप जो आईडी से बनाएंगे, याद रखिएगा क्या आईडी से बना रहे हैं आप लोग, डिड नॉट मैच, एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ठीक है, तो जब आएंगे तो ये पेज पे आप खुल के आएगा आपका पेज। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कहेगा क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यहाँ से बना सकते हैं या फिर यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, मैं ऑलरेडी बनाया हूँ, दो चार ग्रुप बना दिया हूँ इसलिए मेरा दिखा रहा है ये सब। टेस्टिंग के लिए 4 मिनट पहले बनाया था, गड़बड़ हो गया, फिर से दोबारा शूट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अभी ये क्रिएट अ न्यू ग्रुप पे क्लिक कर तो ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे मैंने स्कूल फ्रेंड बना दिया हूँ, अब कॉलेज फ्रेंड करके बना रहा हूँ, CROLEGEFRIEND, कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया, यहाँ पे लोकल ग्रुप कर दिया, जो भी करना है बाकी सब छोड़ दीजिए ऐसा ही, क्रिएट योर ग्रुप कर दीजिए आप, एनी वन मस्ट अप्लाई दिस दैट, जो करना हो कर लीजिए, वैसे मैं एनी वन छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में गए, यहाँ पे आने के बाद यहीं पे मेन गेम। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ पेज करने के लिए बोलेगा आपको, क्रिएट अ पेज पे जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा, पेज का टाइटल, यहाँ पे कॉन्टेंट, बस डाल दो काम हो जाएगा। चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, द बैकलिंक गुरु। ठीक है, जो लोग इस वेबसाइट को विजिट नहीं करते हैं कीजिए, और ये सर थोड़ा स्लो हो गया, इसका क्लीनिंग करना है, कैश वैश, और ये जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आ रहा होगा पॉपअप, कीजिए उसको, क्योंकि आर्टिकल पब्लिश होता है तो मुझे भेजना पड़ेगा मेल आपको इंडिविजुअली, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही बैकलिंक का वीडियो आने वाला है, आगे हमेशा आएगा, इस पर भी आएगा, ड्राफ्ट हुआ है बैकलिंक का वीडियो बहुत सारा। अभी मैं यूआरएल उठा लिया यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी यूआरएल नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे पेज ये चाहिए, कंटेंट का यूआरएल उठाइए, यहाँ डालिए, टाइटल में जो डालना है आप, कंटेंट में जो डालना है डाल दीजिए, कंटेंट एज यू विश, जितना अभी मैं फिलहाल डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इतना कंटेंट उठाया मैंने, डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी ये कंटेंट पड़ा हुआ है, इसमें लिंक, सो आई विल नॉट पुट एनी लिंक। ठीक है, इंडिविजुअल ऑलरेडी, क्योंकि इसमें लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको लिंक कैसे डालना बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ गए, कहाँ गए भाई, अब इसको मान लो कि आपको ये इस पे करना है, सपोज कि ये आपका कीवर्ड है, ये वेबसाइट्स, जो भी कीवर्ड है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ये जो बस दिख रहा है ना इंसर्ट एडिट लिंक का, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, इस पे क्लिक कर पॉपअप खुल के आएगा, इस पॉपअप में यूआरएल सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, जो आपका HTTPS हो, जो भी हो सेलेक्ट कीजिएगा, जनरली HTTPS ही होता है या फिर HTTP होता है अगर सिक्योर नहीं है तो। ओके कीजिएगा तो ये लिंक बन गया है। ठीक है, इस लिंक में थोड़ा अंतर दिख रहा है, बट एनीवे ये लिंक याद रखना अपने को, वेबसाइट के ऊपर मैंने लगाया है। ठीक है, इसको ऐसा सेव कर दीजिए, जब सेव हो जाएगा तो ये बन गया ऐसा। ठीक है, कंटेंट काम खत्म, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन हूँ, अगर मान लो कोई तीसरा खोलेगा, इनकॉग्निटो मोड में खोल के टेस्ट करते हैं इसको, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुलना चाहिए। अब वही आर्टिकल को देखो, यहाँ पे कोई लॉगिन वॉगिन नहीं है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन, मतलब कोई भी खोल सकता है। आने के बाद इंस्पेक्ट में जाइए, इंस्पेक्ट में जाने के बाद अगर आप इस पर चेक करेंगे तो इट्स अ डू फॉलो और नो फॉलो, मैंने पहले तो ये चेक करते हैं, देखिए 100% डू फॉलो बैकलिंक है ये। ठीक है, कहीं पे भी नो फॉलो का कोई हिसाब किताब नहीं है, नो ओपनर, नो ओपनर तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिंक डाला हुआ है। इसके साथ साथ क्रिएट शॉर्टकट, ये भी लिंक जो है कम्प्लीटली डू फॉलो बैकलिंक है, यानी कि अगर आप लिंक बनाए या नहीं बनाए, अगर आपके आर्टिकल में इंटरलिंकिंग है तो वो भी उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेसिबल है, इसका मतलब कि सेव हो गया, मतलब कि ये पब्लिश हो गया, अब आप कंटेंट के अंदर बैकलिंक उठाइए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा भाई लोग, अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला तो लाइक वाइक कमेंट वन कर दीजिएगा, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।